इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मालवीय नगर स्थित शासकीय हाई स्कूल में योग कार्यक्रम के दौरान वन विभाग द्वारा वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर बच्चों ने योग करने के साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया। इंदौर शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में मालवीय नगर स्थित शासकीय हाई स्कूल में भी योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर इंदौर वन मंडल ने भी अपनी सहभागिता प्रदान की। कार्यक्रम में पधारे इंदौर वन मंडल के DFO नरेंद्र पडवा, SDO कृष्णा निनामा और रेंजर श्याम यादव द्वारा स्कूली बच्चों के साथ जहां योग किया गया, वहीं स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। पौधारोपण में स्कूल के टीचर्स ने भी पौधे लगाए। इंदौर वन मंडल DFO नरेंद्र पंडवा के अनुसार योग दिवस का अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर शासकीय स्कूल के बच्चों के साथ योग करने के साथ ही पौधारोपण भी किया गया, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग रहने के साथ उनके संरक्षण को लेकर संकल्प दिलाया गया। बड़ा अच्छा ही मौका है यहाँ पर। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम लोगों ने बच्चों के साथ बच्चों ने योगा भी किया, उसके बाद फिर एक जो हम मोटो लेके चल रहे हैं, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, तो इन तीनों के तहत बच्चों ने स्कूल में आकर योगा भी किया और पौधारोपण भी किया, और इससे बच्चों के अंदर बड़ा अच्छा ही उत्साह भी रहा और एक हम यंग जनरेशन को एक एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव बनाने की तरफ ये कदम उठा रहे हैं। हमारे माननीय वन मंत्री जी के भी निर्देश थे कि स्कूलों में और इन सब में पौधारोपण किया जाए, और स्कूल कई जगह वीरान होते हैं और बच्चों को छाया वगैरह नहीं मिल पाती है, तो इन्हीं के सब के चलते हमने यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम किया है। सर, किस तरह के पौधे रोपित किए गए हैं बच्चों द्वारा यहाँ पर? क्योंकि बच्चों के लिए हमें जैसे ये इस एरिया के हिसाब से हमने देखते हुए कुछ ऑर्नामेंटल पौधे भी लगाए हैं यहाँ पर, कुछ फलदार पौधे भी लगाए हैं और कुछ छायादार पौधे भी लगाए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर नीम और जो पीपल वगैरह इनके पौधे भी अच्छे हम लगा पाएँ, ताकि यहाँ पर पक्षियों के लिए और बच्चों के लिए थोड़ा। वन विभाग द्वारा स्कूल परिसर में 1000 से अधिक छायादार और फलदार पौधे लगाए गए, साथ ही पौधों की देखभाल करने की भी अपील की गई। इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।